लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कहाँ तक खत्म कर लिया था? आई गेस हमने एनवायरमेंटल क्राइसिस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के 3 टाइप्स के पोल्यूशन हो गए थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। और यार एक चीज मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ, खैर ये तुम्हें वैसे ज्यादा अच्छे से पता है कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एक सिंगल डे में, उतना तुम कम से कम अपने पार्ट में लर्न करते रहो, रीड नहीं लर्न करते रहो और कवर करके साइड करते रहो, ठीक है? 3 तरह के पोल्यूशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जनरल क्वेश्चंस ऐसे मैं पूछ रही हूँ, पहले इनका आंसर देना। एनवायरमेंटल क्राइसिस 2 एस्पेक्ट्स के बेसिस पे डिफाइन होता है, दोनों एस्पेक्ट्स के नाम बताओ, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है बेटा, रिप्लाई सबकी तरफ से आना चाहिए, बहुत पिटाई होगी वरना। आज भी मैं सबसे अनम्यूट करवा के सुनूंगी, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, और दूसरा ठीक है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, ठीक है, ये तो अब बैठ जाने चाहिए यहाँ पे कि हाँ यार ये तो अब डेली 3 क्लास से हम लगातार यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक सर्विसेज? ठीक है हाँ, ये थोड़ी सी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, दैट इज सीनिक ब्यूटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सीनिक ब्यूटी मतलब ऐसी चीज है जो हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, दैट मेक्स द सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, इसके अलावा सॉरी, कौन सा ऐसा टाइप का पोल्यूशन है जिस जो पोल्यूशन छोड़ो, कौन सा ऐसा कैटेगरी है एनवायरमेंटल क्राइसिस का विच अफेक्ट्स द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? ठीक है, ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये अर्थ के कौन से स्फेयर में एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट के? बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें टॉपिक का आइडिया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ एनवायरनमेंट पे, कोई एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट, कोई भी हो सकता है वो, जो ग्लोबल वार्मिंग का है। ठीक है, साथ में ये तो मीनिंग हो गया, इफेक्ट इफेक्ट, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, सी लेवल का बढ़ना, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन सीजन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ठीक है ठीक है। देखो अब इधर देखिए, इधर आज पूरी कोशिश रहेगी ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, सुनते रहो। सबसे पहले हमने एक सबसे बड़ा टॉपिक कवर किया था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, जो पोल्यूशन आता है। 3 तरह के पोल्यूशंस पे हमने फोकस किया था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। अब जरा देखते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस कैसे डिग्रेड होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं डिफॉरेस्टेशन का, सबसे बड़ा जो डिग्रेडेशन है नेचुरल रिसोर्स का वो फेलिंग ऑफ ट्रीज की वजह से हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। मुझे एक सिंपल सा फैक्टर बताओ कि हमारे कंट्री में ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज है ये बढ़ती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्वेश्चन मार्क राशि, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, बोला है ना मैंने। सबसे बड़ा पॉपुलेशन, उसके बाद आता है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज आर एक्सपैंडिंग, एग्जैक्टली, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, देयर इज मोर अर्बनाइजेशन, देयर इज मोर मोर फ्यूअल रिक्वायरमेंट विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है।
ठीक है, तो मेन रीजंस क्या है? तीन मेन बड़े रीजंस हमें दिखते हैं, और वो सब क्या है? एक तो पॉपुलेशन, एक है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और तीसरा आता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो चीजें ना हो, तो इसके लिए एफॉरेस्टेशन कैंपेन स्टार्ट हो गए थे 1970s के टाइम से। तुमने एक मूवमेंट का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट। वो हिमालयाज के ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप हुआ था, और वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इंडिया का, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। की चिपको मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि दैट हम अपने फॉरेस्ट कवर को बचाए रखना चाहते हैं, तो जिसने हमें जिंदगी दी है, दे आर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, उसको हम कट नहीं होने देंगे। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज मूवमेंट्स। तो हम चिपको मूवमेंट के बारे में तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टाइप ऑफ मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं अपिको मूवमेंट। अपिको का मतलब क्या होता है? टू हग। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में, और सिरसी डिस्ट्रिक्ट, हम वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एक विलेज है सलकलनी विलेज जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे 1983 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि उस पर्टिकुलर विलेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी है, बट द पीपल वर हाईली अगेंस्ट इट, और उन्होंने इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और उन्होंने सीधा बोला कि हम मतलब ये कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने देंगे कि कोई भी यहाँ पे आके गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट, वो लोगों को अवेयर करवा रहे थे एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ट्रीज को फिर से ग्रो करेंगे जितने भी ट्रीज कट होंगे, मगर ये बहुत मतलब सबको पता होता है कि इतने ट्रीज ग्रो नहीं होते जितने कट हो जाते हैं, सिंपल सा रीजन है, एंड टेक सैम्पल ऑफ ईयर्स एक ट्री को बड़ा करने में। तो उनकी ये मेहनत थी उन लोगों की, तो उन्होंने ये चीज बोली कि नहीं। सो 200 to 300 पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एज वेल, उन्होंने एक हफ्ते तक ट्रीज को हक करके रखा था, एंड दे सक्सीडेड, और इसके बाद से तो लहर सी दौड़ गई थी पूरे पैन इंडिया में। तो बहुत कर्नाटका में ही अलग अलग विलेजेस में ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, अलग अलग स्टेट्स में भी ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, इसी को बढ़ावा दिया गया था, तो काफी फॉरेस्ट कवर इससे बचे थे। कुछ विलेजेस जो हैं वो उन्होंने अपने फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करके रखा, बचा के रखा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डिफॉरेस्टेशन, जिससे हमारा नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रॉय होता है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल भी लिखते हैं यहाँ पे, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेड कैसे कैसे होता है, इसमें हम सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब तुम्हें पता है कि जब अपर टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की, दैट लूजेस इट्स फर्टिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से वो हो सकता है। अगर आपने एक, आप छोटा सा ना ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब हम जंगलों की बात क्यों करें या फिर फार्मिंग लैंड की बात क्यों करें, आप ऐसे करके एग्जाम्पल माइक्रो लेवल पे एग्जाम्पल्स अज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारे घर पे जो प्लांट्स हैं, तुमने अगर कभी रियलाइज किया हो कि उसमें जब तुम पानी ज्यादा दे देते हो तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो पानी रुकना स्टार्ट कर देता है तुम्हारे टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे, काफी धीरे 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 वो नीचे जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उसको बहुत ज्यादा पानी दे रहे हो, जिसकी वजह से जो पीएच लेवल है सॉइल का और जो खारापन है सॉइल में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो प्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एकदम से पानी सोक कर लेना चाहिए आपके प्लांट को, प्लांट में, मगर ऐसा होता नहीं है कई बार। तो हमें उन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली सॉइल इरोजन, क्या मतलब है एल्कलिनिटी का, क्या मतलब है सैलिनिटी ऑफ सॉइल का। तो ये एक्सेस वाटर लॉगिंग की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और हम लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेड होने का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। वो भी हमें देखने को मिलता है कि अगर फॉरेस्ट कवर खत्म होता रहेगा तो धीरे धीरे जो स्पीशीज हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो हम देख भी रहे हैं। जैसे हम स्पैरोज का एग्जांपल लेते हैं कि चिड़िया पहले बहुत ज्यादा दिखती थी जब आप छोटे छोटे भी होंगे, बट अब दे हैव माइग्रेटेड और दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, हमें नहीं पता। तो
ये सबसे बड़ा, ये कॉमन जो ग्राउंड रियलिटी में एग्जाम्पल्स हैं वो हमारी नजर में सामने आते हैं, तो हम उसको ज्यादा रखेंगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या ये प्रोसेस है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है आइदर द बर्ड्स या फिर जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट करने के लिए भी उन्हें एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें, अगर नहीं सर्वाइव कर पाते तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये है बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो ना सिर्फ ट्रीज या प्लांट्स से रिलेटेड है, ये स्पीशीज से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है चिपको और अपिको मूवमेंट का। तुम्हें ये टॉपिक यहाँ तक लर्न करना है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तुम्हें लर्न करना है। बाकी बाकी कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो नीचे वाले कंटेंट में दिए हुए हैं, वो भी तुम पढ़ सकते हो, एडिशनल एग्जाम्पल्स है, बट यहाँ तक तुम्हें लर्न करना है चिपको मूवमेंट या पिको मूवमेंट जो भी है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारे पास अगर नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़ो, या फिर मैं स्क्रोल कर रही हूँ यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बहुत इजी कंटेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज है। पर कंटेंट लर्न करना जरूरी है, एग्जाम टाइम में हम यही याद नहीं रख पाते कई बार। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था ना कि तुम्हें आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके बाद कॉज होना चाहिए उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का, उसके बाद रीजन इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए, तुम्हारा आंसर कभी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। कहीं भी एग्जाम्पल होगा, कहीं भी फिगर होगी, तो उसको हाईलाइट करना। इस चैप्टर में बहुत कम डेटा है, बहुत कम फिगर्स है, ज्यादा थ्योरी ही है। जो डेटा है उसको ढंग से लर्न करना, ढंग से। जैसे यहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर का भी एक डेटा लिखेंगे। चालीस पचास साल पहले हमारा 40% फॉरेस्ट कवर हुआ करता था, 30-40% इंडिया की अगर हम बात करें तो, और अब सिर्फ 1.5% के आसपास रह गया डेंस फॉरेस्ट कवर। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो डैम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, नो मैटर डैम इज बेनिफिशियल फॉर अ स्पेसिफिक एरिया और विलेज, मगर इससे भी काफी फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय होता है, बहुत ज्यादा। दीक्षा लास्ट क्लास में कहाँ थी? मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास, ये क्या है भाई, कभी मतलब 5 से 6 का क्या टाइम है?
फिर ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा सोच के आंसर करना, ठीक है? इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है वो एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्टेड है? मतलब हम कॉज में पढ़ते हैं कि पॉवर्टी जो है वो एक कॉज है फॉर एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरनमेंटल क्राइसिस। कैसे बता सकते हो तुम इस चीज को कि मैं पुअर हूं, अगर मैं बीपीएल में आती हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन, मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को कंज्यूम नहीं कर पाती, तो मैं कैसे एनवायरनमेंट को हार्म करूंगी? भाई बताओ। दिमाग लगाओ और बहुत इजीली तुम आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इफ एन इंडिविजुअल इज, ठीक है सात्विक, ठीक है, और बताओ। हु इज कंट्रीज फॉर फ्यूल अदर, ठीक है, जिया जिया सात्विक, तुम्हारा सेम ही आंसर था कि ये एक पॉइंट। इसके अलावा भी मुझे पॉइंट बताना, मैं एक पॉइंट बताती हूँ जो इन दोनों ने लिखा है कि अर्निंग जनरेट करने के लिए वो फॉरेस्ट कवर को कम हो जाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रीज को कट करते हैं ताकि वो जो वुड है उसको मार्केट में बेच के अर्निंग जनरेट करें। झलक ने बोला ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब नॉलेज से हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको ना अवेयरनेस से रिलेट करेंगे कि लोग जो है वो थोड़े अवेयर नहीं है। प्रियांशी, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि हाँ भाई लोग जो है वो क्लोथ्स वगैरह वॉश करते हैं रिवर्स में, जिससे कि ऑब्वियस बात है देयर इज वाटर पोल्यूशन एग्जिस्टेंस। ठीक है रिया, अवेयरनेस, अवेयरनेस से, एजुकेशन भी नहीं, हम सीधा ना इसको अवेयरनेस से कनेक्ट करेंगे। लार्जर फैमिलीज है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेस का, पावन, वेरी गुड, ठीक है। मतलब मैं बस तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि हाउ यू कैन रिलेट पॉवर्टी विद एनवायरमेंट, तो गुड। नोमैड्स यूज द शेड ऑफ फॉरेस्ट एंड लीव इट अनपर, हाँ बिल्कुल हो सकता है स्वामी, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल लिया तुमने कि दे यूज द शेड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड उसको अनफर्टाइल छोड़ देते हैं। नाइस, गुड, मतलब तुमने बचपन में पढ़ाई की है, इससे पता चलता है कि तुमने थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा है बचपन में वो तुमने थोड़ा ढंग से पढ़ा है। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया है, 5 नंबर में। अच्छा तो दीक्षा तू लिख के आ गई ना? ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें चीज बोली है, ठीक है? अच्छा और वाला क्या? अच्छा ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें चीज बोली है, टीचर को तुम्हारा आंसर पढ़ते हुए ये लिखना लगना चाहिए, टीचर को पता चल जाता है कि तुम्हें कहाँ तक आता था, वहां तो तुम्हारी स्टेटमेंट ठीक चल रही थी, और जहां से तुमने कहानियां लिखना शुरू की होंगी ना और अपने वर्ड्स एड ऑन करना स्टार्ट किए होंगे, वहां से टीचर को पता चल जाता है यहाँ पे ये आंसर भूल गए हैं, और उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया है अपना कंटेंट जो इनको दिमाग में आ रहा है। अच्छा एनवायरमेंट्स में ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर आते हैं अपने पॉइंट्स। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वहां पे मार्क्स डिडक्शन होती है, इसको याद रखना। मैं स्क्रोल तो कर रही हूँ, तुम इधर से ही पढ़ रहे हो या तुम अपने नोट से पढ़ रहे हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि ऊपर स्क्रोल करो, कुछ करो।
अबे तुम पढ़ भी रहे हो ना या मैं ऐसे तुम स्क्रॉल कर? अच्छा नोट से। अच्छा, ठीक है ठीक है, डाउट होता है मुझे कभी कभी। ठीक ठीक है ठीक है। जिसके भी प्री बोर्ड्स हो चुके हैं ना एक बार, अभी मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगी, वो भी बहुत स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में आता है, तो और तुम इसको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स में भी देखोगे और बोर्ड्स में भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन बनने के। अभी बताऊंगी मैं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन है वो। आज खत्म करना है ये चैप्टर। अच्छा मंडे है इनको। ठीक है भाई, मार अच्छे से करी हो, फुल फुल आने चाहिए। अच्छा प्रगति कह रही है पेपर हो गया। नाइस यार नाइस। चिपको अपीको वाला तुम पढ़ते रहना, मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। बायोडायवर्सिटी लॉस तक तुमने पढ़ लिया होगा, ये वाला जो अपीको मूवमेंट है वो तुम रीड करते रहना, इसका भी शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा चांसेस है आने के। ठीक है ये तुम पढ़ लेना। अब मूविंग फॉरवर्ड, रैंडमली बताना शुरू करो। तुमने पूरा चैप्टर देख लिया, मेन टर्म्स तुमने पढ़ लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। पूरे चैप्टर को रिवाइंड करो एक बार, ग्लोबल वार्मिंग क्या था, ओजोन डिप्लीशन क्या था, उसके बाद तुमने पोल्यूशंस पढ़े। हर एक टॉपिक से एक एक कॉज निकल के आता है, तो अगर कभी एग्जाम में कॉजेज नहीं भी याद आए ना, तो तुम चैप्टर को रिवाइंड करके याद किया करोगे। अच्छा यार ये टॉपिक था, इसका ये कॉज बन सकता है, इसमें ऐसा क्यों हुआ, इससे ऐसा क्यों हुआ। वहीं से कॉजेस निकल के आते हैं। ठीक है तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम सब थोड़ा सा पास में, तो जरा कॉजेस बताना शुरू करो, याद करो, टाइम लो और बताओ क्या कॉज है यार। एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। रैंडम और बिना देखे बोलना, रैंडम पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो तुम बोलोगे वही यहां लिखा हुआ है। कुछ बोलो ना जल्दी, तुम टाइम वेस्ट कर रहा है। पॉपुलेशन ठीक है, अर्बनाइजेशन बिल्कुल ठीक है, बोलते रहो पढ़ रही हूँ मैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अरे श्रुति लॉन्ग टाइम। ठीक है और बताओ। पॉवर्टी ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉमन देख रहे हो, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ठीक, एक्सप्लॉयटिंग एनवायरमेंट बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेस, एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस ठीक है, और एडिशनल पॉइंट्स विद पोल्यूशंस, एडिशनल पॉइंट्स एग्जैक्टली, प्राइवेट व्हीकल्स का ज्यादा यूज होता है, पब्लिक व्हीकल्स का ज्यादा यूज नहीं हो रहा, देयर इज मोर डिमांड, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देख रहे हो मतलब जब तुम टॉपिक्स को रिवाइंड करना शुरू करोगे, तुम्हें सारी चीजें खुद ब खुद याद आ जाती हैं। अगर तुम्हें कभी पॉइंट्स ना भी याद आए तो ये चीज ध्यान रखना, पूरा रिवाइंड करो, सारे पॉइंट्स तुम्हें दिखेंगे। और देखो इधर, सबसे पहला पॉइंट हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगला पॉइंट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अगला पॉइंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही तो पॉइंट्स तुमने बोले थे, अगला पॉइंट पॉवर्टी, इंक्रीज इन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, जो हम HYV के टाइम पे, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पागल से हो गए थे मैसिव प्रोडक्शन के लिए। मतलब तुमने कभी रियलाइज किया है कि बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वी वर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पे ज्यादा हम डिपेंडेंट थे, फिर हमने देखा यार इससे तो मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रही है, तो लेट्स शिफ्ट टू केमिकल बेस्ड फार्मिंग। उसमें हम इतना घुस गए कि उससे अब हम बाहर नहीं निकल सकते, और फिर से अब हम बोल रहे हैं कि चलो यार अब फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। मतलब वो जो इनिशियल ट्रेंड था वो वापस आ रहा है,
वो लोग चाह रहे हैं वापस आए, क्योंकि अब वो उस केमिकल बेस्ड फार्मिंग से परेशान हो गए हैं कि अरे यार नहीं, हाइजीन इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब फिर से वी आर शिफ्टिंग टू दैट ओल्ड टेक्निक ऑफ फार्मिंग, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है झलक। इसके बाद मैसिव ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, यहाँ पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई वाला पॉइंट है, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया। यस एग्जैक्टली ग्रेस हो यार। ठीक है, डिसरिगार्ड टू सिविक नॉर्म्स, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी रिस्पेक्ट में हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे लिए कुछ रूल्स हैं, हमारे लिए कुछ लॉज हैं जिनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने हॉन्किंग का एग्जाम्पल लिया था, या फिर कूड़ा ऐसे कहीं भी फेंक देना लाउड स्पीकर्स पे, मतलब नॉइस पोल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, मतलब प्रॉपर डंपिंग फैसिलिटी नहीं है कूड़े की कोई, मतलब तुमने ये भी देखा होगा कि जो घर से भी कूड़ा लेके जाते हैं, अगर उन्हें भी दूर है, अगर डंपिंग का जो एरिया है वो दूर है, तो वो उन्होंने कहीं अपनी जगह बना रखी है, अपनी जगह खोल रखी है कि यहाँ डंप कर दो, फिर वहां से बारिश होती है, पूरा कूड़ा साइड के आसपास के रिवर्स में जा रहा है, फिर से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तुमने रियलाइज किया, डीएवी वालों को तो खासकर इस चीज का आइडिया है, और खेतान वालों को भी, क्योंकि ये उन्हीं का पैसेज है, कि जो रिवर है, वो जो नाला जिसको हम बोलते हैं लोहिया पार्क के साइड में, वो साफ होता है, फिर बारिश आती है, वो फिर से वापस उसी में चला जाता है। तुमने रियलाइज किया ये चीज, और फिर जब बारिश एक्सेस हो जाती है, तो वही पूरा उसी रिवर से बाहर निकल के फिर जिसमें तुम तैर तैर के घर जाते हो। ठीक है। तो डिसरिगार्ड टू सिविक नॉर्म्स। ठीक है, तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। ग्रीन ब्यूटी, एग्जैक्टली। घुटनों तक, अरे हाँ, तभी तो पता है तुम्हारा तो स्कूल ही बंद हो जाता है जब एक्सेस बारिश हो जाती है, स्कूल में ही पानी भर जाता है, पर मजा आ जाता है यार, है ना। हाँ ऐसे ही होता है यार, जैसो रिक्शे पलट जाते हैं, तो सौ भी तेरे साथ हुआ तो नहीं ऐसा। भाई भाई एक बार मैं तुम्हें बताती हूँ, एक भाई एक केस हुआ था। मैं और मेरी फ्रेंड थी, और हम ना रिक्शा, तब ये ई रिक्शा नहीं था, और हमारा प्री बोर्ड था, 10th की बात है, नहीं 12th की बात है, हमारा प्री बोर्ड था, और हम रिक्शे में जा रहे थे। और मतलब नॉर्मली जब आप रिक्शे में बैठे होते हो, जो पुराना वाला रिक्शा होता है, उसमें आप ठीक है बात कर रहे हो एक दूसरे से, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, रिक्शा चल रहा है, और सामने से एक बाइक वाले ने इतनी तेज हिट किया था कि हम दोनों उछल के रोड पे गिरे थे, पता है, उछल के, मतलब लिटरली वी जम्प्ड आउट ऑफ द रिक्शा और हम रोड पे गिरे। मैं मेन रोड पे गिरी थी, और पीछे से अगर कुछ आ रहा होता तो मेरा तो हो जाता उस टाइम। ठीक है, और वो मेरी जो फ्रेंड थी, क्योंकि वो लेफ्ट में बैठी थी, तो वो साइड में गिरी थी, बट हम ना गिरने के बाद हम बस ये देख रहे हैं कि आसपास कितने लोग हैं, किसी ने हमें देखा तो नहीं, और मतलब हम ये नहीं देख रहे कि हमें लगी भी है, हमारे घुटने वगैरह छिल गए थे, और हम बस इस चीज पे फोकस्ड हैं कि अरे आसपास देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, तो हंसी और आ रही थी, बट वो अलग ही सीन था। मतलब हम, अरे यार बहुत, और एक तो जब आप होश में नहीं होते ना, आपको क्या पता सामने से क्या कोई चीज हिट कर जाएगी, तो इतनी बाइक ही थी, बाइक ने हिट किया था और हम उछल गए थे। तो वो भी एक, अभी मुझे याद आया, जब अभी स्वामी ने बोला ना कि रिक्शे पलट जाते हैं, तब ये वाला इंस्टेंस मुझे याद आया कि ये भी था है। खैर कोई बात नहीं। देखो अब इधर, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है पूरा का पूरा। इसमें सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 17% एरिया जो है वो कवर करता है, और सॉरी 2.5% एरिया जो है वो कवर करता है, और 17% जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंडिया की। हम ये कहते हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा था
कि तब भी हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत गरीबी है, और ये जो पॉवर्टी है इसको कर्टेल करने के लिए हमने कुछ मेजर्स भी अडॉप्ट किए थे, कुछ स्कीम्स भी निकाली थी, मगर उसके बाद भी पॉवर्टी जो है वो जिस पेस से कम होनी चाहिए उस पेस से कम नहीं हो रही है। और हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का भी एक रोल है इस पॉवर्टी लाइन में, इस बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आ रहे हैं उनका और एनवायरमेंट का एक अपना कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन हम इन 3 पॉइंट्स से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स एक बार पढ़ लो ढंग से। और ऊपर में ऐसा कुछ लिखो, जैसे मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ, ऊपर ऐसा कुछ हेडिंग लिख लेना कि अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता हो। हाउ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट इश्यूज आर कोरिलेटेड। इसमें तुम्हें कोई एडिशनल पॉइंट भी लिखना है वो भी तुम लिख सकते हो, जैसे अवेयरनेस वाला पॉइंट तुमने बोला था, लैक ऑफ एजुकेशन वाला तुमने पॉइंट बोला था। बढ़िया, हो गया। देखो ये जो मेजर्स हैं ये जनरल मेजर्स हैं, तो इसको लिख लेना, दीज आर द जनरल मेजर्स। जो तुमने ऊपर कॉजेस पढ़े उसी के मेजर्स बनाए गए हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो जो कॉजेस थे उसी के मेजर्स, जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, पॉवर्टी को इराडिकेट किया जाए, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, साथ में अवेयरनेस होनी चाहिए अमंग द मासेस या पॉपुलेशन, कि जैसे स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में भी ये पॉइंट लिखा जाता है कि जो स्कूल्स में बुक्स लगती हैं उसमें एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो होती भी है रादर, मगर वो सिर्फ एक लेवल तक होती है, जो मान लो 6th स्टैंडर्ड है या 5th स्टैंडर्ड है उसी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर बीच में नंबर ऑफ ईयर्स वो चीज गायब हो जाती है, एंड अगेन जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो ये चीज पढ़ रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और हर क्लास में इसकी अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो भी इस चीज को भूल ना जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैनेजमेंट होना चाहिए, जो हमने डंपिंग वाला एग्जाम्पल लिया था सॉलिड वेस्ट का, एफॉरेस्टेशन कैंपेन स्टार्ट होने चाहिए, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। ऐसा भी नहीं हो कि भाई इतनी डिमांड नहीं है गुड्स की जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी एक कंट्रोल हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे भी एक कंट्रोल हो, और प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि किस टाइप के मटेरियल या इनपुट का यूज हो रहा है, क्या वो हार्मफुल हेल्थ के लिए है या नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, दीज आर जनरल मेजर्स। अब जो मैं कह रही थी कि तुम्हारे एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तुम्हें मीनिंग पता है, हम पहले पढ़ के आए हैं इस कॉन्सेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, ये टॉपिक, ये सारा फीचर सिर्फ रीडिंग पर्पस का है, ये पूरा रीडिंग पर्पस का सेक्शन है। ठीक है, ये मीनिंग है एक नंबर वाला जो तुम्हें पढ़ना है, वो तो डेफिनेशन तुम लर्न कर ही लोगे। ये 5, 6, 4 कितने भी नंबर का आ सकता है, और ये आएगा। What are the strategies for sustainable development? बहुत कॉमन क्वेश्चन, और तुम इसमें एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करो एज द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायो कंपोस्टिंग का यूज करो, बायो कंपोस्टिंग का मतलब पता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करें, हम नॉर जो काउडंग वाला कंपोस्ट होता है उसका यूज करें, विच इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली।
साथ में बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज किया जाए, मतलब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो केमिकल बेस्ड होते हैं उनका यूज मत करो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किसी भी क्रॉप की। इसका यूज ज्यादा करना चाहिए नीम बेस्ड, जो प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स मिलने लग गए हैं आजकल उनका ज्यादा यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे स्ट्रेटेजीज में कि ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज किया जाए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वही सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है इनके एक्सट्रैक्शन में। इट टेक्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो वो चीज पॉसिबल भी नहीं है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनकरेजिंग यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा क्लीन फ्यूल्स का यूज करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं गाँव वाले एरियाज में अभी भी लोग वुड का यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, वो नहीं होना चाहिए। अर्बन एरियाज में लोगों को बोला जाता है कि भाई वो भी क्या बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज ना करें। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि सीएनजी का को ज्यादा प्रेफरेंस देने चाहिए इन कंपैरिजन टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल एंड पेट्रोल। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस का यूज किया जाए, जैसे तुमने आयुष पढ़ा था याद है, कैसे ऐसे बताओ आयुष को कैसे रिलेट करोगे, ये कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे एग्जाम्पल दो। सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि ये जो भी टेक्निक फॉलो करते हैं आयुष, इसमें एग्जैक्टली कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन या केमिकल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जैक्टली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। चलो ठीक है तो ये, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल मॉडर्न प्रैक्टिसेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे जैसे बायो कंपोस्टिंग का यूज किया जाए कि कैटल डंग शुड बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन कंपैरिजन टू केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज किया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी होगा नीम ट्रीज आर वेरी इफेक्टिव, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए ताकि अननेसेसरली फ्यूअल कंजम्पशन ना हो। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉमन एग्जाम्पल जो तुम्हें पता है कि ऑर्गेनिकली मेड इनपुट्स का यूज किया जाए, रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स। स्ट्रिक्ट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंस, कि जो भी भाई जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट एमिट हो रहा है या फिर स्मोक एमिट हो रही है, इनके ऊपर भी कोई लॉज होने चाहिए, कुछ मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो शायद हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ध्यान रखना कॉजेज मेजर्स तुम लिख लोगे, मगर ये ऐसा टॉपिक है, एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन तुम देख सकते हो कि इट इज लेंदी, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट भी आ सकता है 5 या 6 नंबर में। तो ये लर्न करना है, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ध्यान रखना है इसको, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक, समझ गए? और तुम्हें पता है कि तुम्हारा होमवर्क क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले खत्म कर दो, पूरा का पूरा चैप्टर। कर सकते हो? कर क्या सकते हो, करना है, पूछ कह रही हूं मैं, ठीक है? करना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है चलो निकले, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय यार।